हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ देखिए, आज मैंने बनाया है ढोकला, तो ढोकले की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है एक बड़ा सा दोना पॉल। तो यहाँ इसमें मैं अपनी अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए ढोकला या जितना बेसन चाहिए मैं उस हिसाब से ले लूँगी। तो मैंने अंदाजे से इसमें 5 से 6 चम्मच इसमें मैंने बेसन ले लिया था, और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। सभी अपनी फैमिली के हिसाब से ही बनाते हैं कोई भी चीज़, तो बस मैंने वही बनाया था। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ही बनाया था, जितना हम खा सकते हैं उतना बनाया था। और तो मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच मैंने बेसन ले लिया था, और उसके बाद मैंने 1 स्पून बेसन मतलब चीनी ऐड की थी बेसन में, और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने इसमें किया था बेकिंग सोडा ऐड, खाना सोडा जो होता है, तो चुटकी भर ऐड किया था जिससे कि उससे फूल जाए अच्छे से। और ठीक अच्छे से स्मूथ सा एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड किया था अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी ऐड करी थी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं ये, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी हींग और 1/2 स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। और चुटकी भर मैंने इसमें मिर्च भी ऐड की थी ताकि थोड़ा स्पाइसीपन सा आ जाए, तो उससे खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं ये। तो ढोकला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको और इसमें मैंने लेमन भी रख लिया है जो कि मुझे अभी चाहिए, तो मैं इसमें डालूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूँगी, इसको अच्छे से चलाना है मुझे, और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है इसमें पहले, एकदम से नहीं, ताकि जो भी गुठलियाँ बने वो एकदम से हट जाएं और चलाने पर। और एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें, अगर एक भी गुठली रह जाएगी तो वो ऐसे कैसी ही रह जाएगी और ढोकला सही नहीं बन पाएगा। सबसे पहले मुझे इसको कम से कम 10 मिनट ये फेंटना है, अच्छे से चलाना है ये। तो ये मैंने बहुत देर तक चलाया था फ्रेंड्स, और बहुत देर, कम से कम 5-6 मिनट तक भी मैंने अच्छे लगातार चलाया था। उसके बाद ये मैंने थोड़ी देर तक चलाने के बाद ये मैंने ढककर रख दिया था, और ढककर रखने के बाद फिर से मैंने ये 5 मिनट चलाया था, और ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रह जाएं। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, कम से कम 1 स्पून इसमें मैं 1 स्पून ऑयल ऐड करूँगी, सरसों का ऑयल। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया है, और अब इसको अच्छे से और मिक्स कर देना है इसमें, और अभी दोबारा से इसी तरह से चलाना है। और इसमें जो लेमन रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड करना है मुझे, और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीज इसके निकाल दिए हैं और इसको निचोड़ लिया है अच्छे से। और खट्टा मीठा सा जो ढोकला होता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ढोकला। किस चीज़ को पसंद है फिर प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपसे आज, मैंने बहुत दिन बाद कोई रेसिपी शेयर नहीं करती अब आपसे, ज़्यादातर मैं घर का काम काज ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ढककर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ये, कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने ये उठा कर रख दिया था साइड में। और अब 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो दोबारा से इसको चला रही हूँ, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पतला और कर लिया था थिंक, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके चला रही हूँ, और देख रही हूँ इसमें गुठलियाँ तो नहीं हैं एक भी। और ये लगातार चलाते रहना है थोड़ी देर तक, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ, बस गुठलियाँ को चेक करना है। तो ये देखिए मैंने ये अच्छे से चलाया है, और इसमें एक भी गुठली नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। और अब इसको मैं थाली में पलट लूँगी, और पहले थाली में मैं कोई चिकनाई लगाऊँगी, तो मैंने चिकनाई में तेल, घी लगाया था इसमें, चम्मच की हेल्प से घी लगाया था मैंने, तब मैंने इसको पेस्ट को थाली में पलटा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थाली भी ले ली है मैंने, और इसमें मैं थोड़ी थोड़ी बूंदें घी की ऐड कर लूँगी,
और घी को अच्छे से लपेट लूँगी थाली से। और कढ़ाई को चढ़ा दिया है मैंने गैस पर और पानी उसमें रख दिया है, तो पानी भी गर्म हो चुका है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा तो नहीं थी ढोकला बनाने की, लेकिन जैसी सुविधा थी मैंने वैसे ही बनाया है देसी तरीके से। कढ़ाई में पानी रख के और तब मैं थाली उसे उसके ऊपर रखूँगी। तो ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इस पेस्ट को पलट लूँगी। अब तो ये पेस्ट देखिए मैंने पलट लिया है और यहाँ बच्चे आ गए थे, मम्मी भूख लग रही है तो मैंने बच्चों के लिए भी खाना तैयार किया था। और ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने गैस पर और पानी तो अच्छे से उबल चुका है, गर्म हो चुका है, भाप भी आ रही है अच्छे से। तो इस थाली को मैं कढ़ाई के ऊपर चढ़ा दूँगी और इसे एक बड़ी सी प्लेट से ढक दूँगी ताकि इसमें से भाप ना निकल पाए ज़्यादा। और अब मैं इसको कम से कम ये मैंने 30 मिनट फ्रेंड्स अच्छे से पॉइल किए हुए पानी के ऊपर रखा था, तो ये पक चुका होगा थोड़ी देर। तो मैं इसको आध घंटे के बाद देख रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है और उसमें एक चाकू की हेल्प से ही मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है ये अंदर से, ताकि इसमें कच्चा होता तो ये जो ऊपर चिपक जाता इसके, और अब ये पक चुका है तो ये अब ऊपर नहीं चिपक रहा है और ये पक चुका है अब अच्छे से। और ये मैं इसको थाली में से हटा कर भी दिखाऊँगी आपको, और ये थाली में से आराम से हट जाएगा। तो इसको मैं उतार लेती हूँ अब नीचे। तो किसी का फ़ोन आ गया था फ्रेंड्स, तो मैं फ़ोन भी देखने लग गई थी तो वहाँ पर फ़ोन भी रखा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कढ़ाई देखिए कितनी सफ़ेद हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए गैस अभी चालू है, तो मैं दोबारा से गैस जो है बंद तो नहीं करूँगी, लेकिन इस पर मुझे दोबारा से कढ़ाई चढ़ानी है क्योंकि मुझे तड़का तैयार करना है ढोकले के लिए। तो इसमें मैं कढ़ाई भी दोबारा से सेम कढ़ाई ऐड कर दूँगी। तड़के के लिए मैंने सरसों के तेल में ही लगाऊँगी तड़का इसका। तो ये देखिए सरसों का तेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो सरसों का तेल ऐड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको इसमें मैं ऐड करूँगी राई। तो राई ज़्यादा सी मैं इसमें राई ऐड करूँगी और उसको अच्छे से भून लूँगी बहुत ही अच्छे से, और अच्छे से भून लूँगी। थोड़े से इसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी और हरी मिर्च भी ऐड करूँगी इसमें, और फिर से ये अच्छे से भून लूँगी उसको और तैयार कर लूँगी। और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी फिर, और पानी को अच्छे से उबाल लेना है मुझे। पानी को अच्छे से बॉयल कर लेना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए तड़का तैयार हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ी देर में आपको उभार कर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये चटक रही थी जो है राई। तो मैंने ये ढककर चटकाई थी क्योंकि इधर उधर फैल जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसको मैं चटका लूँगी अभी। तो ये देखिए अच्छे से चटक चुकी है और इसमें मैंने कड़ी पत्ते को ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हरी मिर्च भी इसमें मैंने डाल दी है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी जितना मुझे चाहिए, एक गिलास या डेढ़ गिलास पानी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। तो पानी भी ऐड हो गया है और इसको चला लूँगी और इसमें से कम 3 से 4 पॉइल अच्छे से लगाने हैं मुझे, अच्छे से उबालना है तब जाकर मुझे ये ढोकले के ऊपर रखना है। और मैं आपको पहले ढोकला दिखाऊंगी कि किस तरह से ढोकला बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी कम पड़ रहा था, मैंने और ऐड किया है थोड़ा सा, और इसमें मुझे चीनी भी ऐड की है और चीनी मैंने बेसन में भी ऐड की है। तो चीनी मैंने यहाँ पानी अच्छे से मीठा हो जाए इसलिए
बस। तो चीनी मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दोबारा से ऐड कर दी है। इसको फ्रेंड्स मैं चम्मच की हेल्प से अच्छे से चला दूँगी ताकि इसमें चीनी थोड़ी सी भी मतलब अच्छे से घुल जाए और साफ उतना बचे। और अच्छे से उबाल लिया है, ये पानी जो है पक चुका है। और इसमें मैं हाफ लेमन जो रखा था कट किया हुआ वो निचोड़ दूँगी। और आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कितना मतलब ढोकला है उस हिसाब से। तो यहाँ देखिए हाफ लेमन मैंने इसमें निचोड़ दिया है अच्छे से, और ये एकदम से ये खट्टा मीठा पानी बन चुका है ढोकले का। तो ये देखिए तड़का तैयार है ढोकले का। तो मैं इसमें मतलब ढोकले में भी डाल दूँगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी अच्छे से खोल चुका है और ढोकला भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और जितना फूलना चाहिए था वो फूल चुका है। और उसके बाद उसमें पानी पड़ जाएगा तो और अच्छे से फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे कभी भी बनाना होता है तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए अच्छे से पच भी गया है और अलग मतलब ये थाली से अलग हो चुका है। और मैं इसके पीसेस करूँगी पानी डालने के बाद। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। तो बस इस तरह से इसमें तड़का लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से मतलब डूब चुका है पानी में। और इसके मैं पीसेस कर दूँगी और पीस करके जब मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से बना है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ देखिए इसमें से थोड़ा सा खा भी लिया था। तो आपको कैसा लगा ये ढोकले की रेसिपी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। बाय।